हेलो एवरीवन, तो हम लोग कर रहे हैं अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की क्लासेस, वो भी टॉपिक वाइज। तो पहली क्लास हम लोग कर चुके हैं, सामने आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जिन्होंने नहीं देखी है क्लास वो देख सकते हैं। तो क्लास हम लोग करेंगे आज सेकेंड नंबर की, और टॉपिक हमारा आज का क्या रहने वाला है, टॉपिक होगा बिकमिंग अ प्रोफेशनल इन 21st। ये है हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्लास नंबर है सेकंड। क्लास वन हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, तो जिनको क्लासेस के बारे में नहीं पता उनको बता दूं कि हमारी रोज शाम को 4 बजे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास होती है, प्लस कोपा की थ्योरी की क्लास होती है। ठीक है, हम लोग कोपा थ्योरी के भी क्वेश्चंस करते हैं, 3 दिन कोपा थ्योरी के करते हैं और 3 दिन हम अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लासेस करते हैं। तो जिनको नहीं पता है उनको हम बता दें, एट ऑल आपको शाम के 4 बजे जुड़ जाना है इसी चैनल पर। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो क्लासेस के लिए। ठीक है, चलो क्लासेस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेजर चेंज टुक प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड विथ, विनिर्माण जगत में डैश के साथ बड़े परिवर्तन हुए। विनिर्माण मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में ऐसी क्या क्रांति हुई कि उसमें बड़े परिवर्तन हुए। अब मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगा, जहाँ पे कोई उद्योग है, जहाँ पे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, कंपनियाँ हैं। तो देखिए ऑप्शन पढ़ेंगे आंसर मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, मैन्युफैक्चर जहाँ होता है वहाँ होगा इंडस्ट्रियल एरिया। तो वहाँ पर देखिए मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में जो औद्योगिक क्रांति है उसके साथ बड़े परिवर्तन हुए हैं। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रेगुलर असेसमेंट ऑफ स्किल्स इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, डैश की वृद्धि के लिए कौशल का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है। किसकी वृद्धि के लिए कौशल का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है, स्किल का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है, किस चीज की वृद्धि के लिए। क्वेश्चन देखिए पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़िए, आंसर आपको मिल जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, करियर। भाई अगर आपको अपने करियर में आगे जाना है तो आपको अपनी स्किल को बढ़ानी होगी, राइट। अगर आपको पावर पॉइंट आता है, जैसे कंप्यूटर में मैं बात करूं, अगर आपको पावर पॉइंट चलाना आता है तो अगर आपको थोड़ा और आगे चलना है तो आपको एक्सेल भी सीखना होगा, एमएस वर्ड सीखना होगा, टाइपिंग सीखनी होगी। तो आप अपनी स्किल को जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे आपके करियर में, आपके जीवन में वृद्धि होगी, समझ गए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, नीतू हैज एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग स्किल, व्हाट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज इट, नीतू के पास कहानी कहने का बेहतरीन कौशल है या किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है। कहानी कहने का बेहतरीन कौशल है, कहती है कहानी कहती है, तो वह किस प्रकार का कौशल होगा। जैसे आप हैं, आप स्पीच अच्छी देते हैं, तो आपके पास किस प्रकार का कौशल है। ऑप्शन पढ़िए, पिक्चर स्मार्ट, लॉजिक स्मार्ट, बॉडी स्मार्ट या फिर वर्ड स्मार्ट। क्या होगा आंसर, लॉजिक स्मार्ट। अब वो कहानियाँ कहती है, कहानियाँ कहने का भी तरीका होता है, राइट। आप एक बुक पढ़ लीजिए, कहानी की एक बुक ले लीजिए, उसको पढ़िए, मज़ा नहीं आएगा। आप पढ़ाओ मतलब पढ़ते जाओगे, बोलते जाओगे, सुनने में नहीं आएगा, मज़ा आएगा नहीं आएगा। लेकिन जब आप देखोगे कि हमारे जो पापा हैं या फिर दादाजी हैं, वो हमें जब कहानी सुनाते तो मतलब बड़े अच्छे तरीके से सुनाते थे, राइट, एकदम इंटरेस्ट के साथ, मज़ा आता था सुनने में, राइट। तो उनके पास लॉजिक होता था, लॉजिक स्मार्ट की तरीके से वो अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करते थे, बातों को प्रेजेंट करते थे, तो उनके पास था स्मार्ट लॉजिक। क्या होगा आंसर, ऑप्शन बी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, स्वराज इज लुकिंग फॉर इंटरनेट बेस्ड डेटा एंट्री जॉब्स, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ही नीड, स्वराज इंटरनेट आधारित डेटा एंट्री नौकरियों की तलाश में है, उसे किस सबसे महत्वपूर्ण कौशल की आवश्यकता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। स्वराज इंटरनेट आधारित डेटा एंट्री नौकरियों की तलाश कर रहा है, इंटरनेट आधारित। अब इंटरनेट आधारित नौकरियों की तलाश कर रहा है तो इंटरनेट के लिए चाहिए होता है कंप्यूटर, और कंप्यूटर चाहिए और उस पर डेटा एंट्री की नौकरी करनी है तो आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। जैसे मैंने डेटा एंट्री की बात की, एक्सेल आपको आना चाहिए। तो यही पूछ रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण कौशल की आवश्यकता क्या है। ऑप्शन पढ़िए, बेसिक कंप्यूटर स्किल, एंटरप्रेन्योरियल स्किल, ब्यूटिशियन स्किल,
वुड कटिंग स्किल। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये दो तो सोच ही नहीं सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा हो सकते हो कंफ्यूज, लेकिन कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बेसिक कंप्यूटर स्किल, बुनियादी कंप्यूटर कौशल हो जाएगा इसका राइट आंसर। डेटा एंट्री आधारित नौकरी ढूंढ रहा है तो उसके लिए कंप्यूटर की ज्ञान जरूरी है। देखो आपको थोड़ा नॉइज, गाड़ियों की आवाज़ सुनने को मिलेगी, तो मैं हूँ अपने एक रूम में बिल्कुल बंद और मेरा घर है बिल्कुल रोड के किनारे, तो मैं चाहकर भी उन आवाज़ों को नहीं रोक सकती क्योंकि तिराहा है वहाँ पर, हर कोई हॉर्न बजाता है, मतलब बजाते हुए जाना ही है, गाड़ी आ रही हो नहीं आ रही हो बजाते हुए जाना है। ठीक है, ये है गाड़ियों की आदत, तो मैं उनको रोक नहीं सकती। मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम नॉइज आए, ये मेरी हमेशा कोशिश है। पंखा भी मैंने बंद कर रखा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वन्स पर्सनैलिटी, इनमें से कौन सा व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, बताइए जरा। आप अपने ऊपर लीजिए ये क्वेश्चन, तो बताइए इनमें से कौन सा है जो आपकी व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, बताइए जरा इसका क्वेश्चन। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मैंने पहले भी क्लास में बोला था कि आपका ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़े से लॉजिक की जरूरत है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है और फिर ऑप्शन पढ़िए, ध्यान से उसका आंसर दीजिए। वीकनेस, देखो आंसर मत करना, वीकनेस आंसर मत करना, देखो हमारे अंदर ताकत भी है, राइट। अब ताकत है तो कुछ ना कुछ तो कमजोरियां होंगी, बिलीव्स भी हैं। स्किन कलर हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा, मतलब कोई हमें हमारी स्किन के कलर से जज नहीं करेगा, राइट। हमारी कमजोरियों से, हमारी ताकत से व्यक्तित्व का पता चलता है कि वो उसकी वो बड़ा मजबूत इंसान है, वो बड़ा कमजोर है, राइट, ऐसे पता चलता है। लेकिन कोई स्किन से हमें डिफाइन नहीं कर सकता, तो राइट आंसर हो जाएगा स्किन कलर। नेक्स्ट है, थिंक दैट वन इज गुड एट डूइंग आर, जिन चीज़ों को करने में व्यक्ति अच्छा होता है वे होती हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है वो अपने पर ले लो, जिन चीज़ों को करने में हमें अच्छा लगता है वह होती हैं। अब हम कोई काम कर रहे होते हैं, क्यों कर रहे होते हैं, बताइए जरा। क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, फिर आंसर दीजिए। मैं आपको आंसर देने का टाइम इसलिए दे रही हूँ ताकि आप खुद से पढ़ सको, ऐसा नहीं कि मैं बोलती जा रही हूँ और आप सुनते जा रहे हो, ऐसा नहीं है। आप भी पढ़िए मेरे साथ साथ में, ऑप्शन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, इसी वजह से मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ। चलो आंसर बताते हैं। आंसर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल नहीं है, बस क्वेश्चन समझिए। जिन चीज़ों को करने में व्यक्ति अच्छा होता है, यानी हम वो चीज़ें बार बार करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उसे करने में हमारे पास क्षमता होती है कि हाँ हम कर लेंगे, हम ये चीज़ कर सकते हैं, इसलिए हम उसे बार बार करते हैं, राइट। क्या होगा इसका आंसर, एबिलिटीज़, क्षमताएं। 7 नंबर क्वेश्चन है, इनएबिलिटी टू डू समथिंग वेल इज वंस, किसी कार्य को अच्छा करने में असमर्थता किसी की डेस है। अब पहले था समर्थ है, अब इसमें है असमर्थता, बताइए किसी कार्य को अच्छा करने में असमर्थता किसी की डैस है, क्या है, कमजोरी, ताकत, आकांक्षा, कीमत, क्या होगा। असमर्थता की बात हो रही है, निगेटिविटी की बात हो रही है, तो इसका आंसर भी निगेटिविटी में ही जाएगा। देखिए वीकनेस क्या है, किसी कार्य को अच्छा करने में असमर्थता किसी व्यक्ति की कमजोरी को दर्शाता है, राइट। समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन, सबसे पहले मुझे ये बता दो। क्या तो मैडम जी आपको पूछने की जरूरत ही नहीं, अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं तो क्लास ही छोड़ दूंगा, राइट। अच्छी बात है, आपको समझ में जैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप क्लास छोड़ सकते हो, ये ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप क्लास में बने रहो, ठीक है। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझाने की। 8 नंबर क्वेश्चन है, मीना लाइक्स टू लर्न म्यूजिक इन हर फ्री टाइम, इट इज़ वन ऑफ हर डेस टू इम्प्रूव, मीना को खाली समय में संगीत सीखना पसंद है, इसको बढ़ाने के लिए उसको डेस में से एक है। क्वेश्चन समझ में आया, मीना को खाली समय में संगीत सीखना पसंद है, उसको बढ़ाने के लिए उसकी डेस में से एक है। अब उसको संगीत सीखना पसंद है, अब उसे इम्प्रूव करना चाहती है, राइट। अब इम्प्रूव करेगी तो वो क्या करेगी, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट होगा तभी वो इम्प्रूव करेगी। भाई किसी चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ता है तभी हम वो काम बार बार करते हैं, जैसे मुझे गाना गाना पसंद है तो हम गाते रहते हैं, हालांकि उतनी अच्छी आवाज़ निकलती नहीं है हमारी, वो सुर लगते नहीं हैं,
जैसा गाते हैं वैसा हम लोग गाते रहते हैं, अगर मैं प्रोफेशनल तरीके से जाऊं तो मुझे सीखना पड़ेगा अच्छे से, राइट? अब सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए रुचि होनी चाहिए, रुचि बढ़नी चाहिए उस चीज में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बीजो इज नॉट गुड एट MS Excel, विद हिज हार्ड वर्क ही लर्न्स टू ओवरकम वीकनेस एंड टर्न देम इनटू अ। क्वेश्चन देखो हिंदी में ध्यान से पढ़ो, इंग्लिश में अगर समझ में नहीं आया है तो हिंदी में पढ़िए। बीजो MS Excel में अच्छा नहीं है, मतलब कि उसको MS Excel इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आता नहीं है, फॉर्मूले वगैरह ऐड करने नहीं आते हैं। अपनी कड़ी मेहनत से कमजोरियों पर काबू पाना और उन्हें डैश में बदलना सीखता है, लेकिन जो बीजो है उसे MS Excel अच्छे से नहीं आता है, लेकिन उसे क्या है कि उसे सीखना ही है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो बैठ जाएगा कि मुझे सीखना ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है, मैं सीख नहीं पाऊंगा, लेकिन नहीं, बीजो ने क्या किया, उसने अपनी कमजोरी पर काबू पाया और उसे किस में बदला, बताइए, वीकनेस से उसने अपने आप को किस में बदला, उसने बदला है अपनी स्ट्रेंथ में। अब जब वीकनेस आया है तो उसके अपोजिट स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है, समझ गए? कमजोरियों पर काबू पाना और उन्हें अपनी स्ट्रेंथ में बदलना सीखा है बीजो ने, ठीक है। चलो, द वे वी इंटरैक्ट मैनेज एंड डील विद आवर इंटरनल एनवायरमेंट इज नोन एज डैश स्किल। जिस तरह से हम अपने बाहरी वातावरण के साथ बातचीत, प्रबंधन और व्यवहार करते हैं उसे डैश कौशल के रूप में जाना जाता है। क्या है क्वेश्चन? जिस तरह से हम अपने बाहरी वातावरण के साथ बातचीत, प्रबंधन और व्यवहार करते हैं, यानी कि बाहर, घर से बाहर, घर पे तो देखो हम उल्टा सीधा बोलते हैं, जैसे अपने भाई बहनों से बोलते हैं वो तो बोलते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो भाई जी, भाई ऐसे बोलते हैं, राइट? आप करके बात करते हैं, घर पे क्या है तुम, अरे ये क्या, मतलब ऐसे कुछ बात करते हैं। तो घर के बाहर जब होते हैं तो हमारा जो बातचीत करने का तरीका, व्यवहार, सब कुछ बदल जाता है। तो उसे उस कौशल को, उस स्किल को क्या कहते हैं? तो उस स्किल को कहते हैं बिहेवियरल कौशल के रूप में जाना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, आंसर आप लोग दे रहे हो ना, देते रहिए। इज वन ऑफ द बिहेवियरल स्किल दैट इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज वर्क इफिशियंसली एंड कंप्लीटेड इट ऑन टाइम। हिंदी में पढ़ते हैं, डैश व्यवहार कौशलों में से एक है जो कार्य को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करने और उसे समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक है। कौन सा ऐसा व्यवहार कौशल है जो कार्य को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करने और उसे समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक है? ऑप्शन पढ़ेंगे, आंसर दे देंगे तुरंत। पेंटिंग नहीं है, कुकिंग नहीं है, डांसिंग नहीं है, जो टाइम मैनेजमेंट है। अगर आप हर कार्य को टाइम मैनेजमेंट के साथ करेंगे, पोमोडोरो टेक्निक है, उसको मैं बताऊंगी क्या होती है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं तो वो काम समय पर पूरा होगा, व्यवस्थित ढंग से, कुशलतापूर्वक होगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी। मैंने बोला था ना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सिंपल है, सिंपल है, बस ध्यान से समझने की ज़रूरत है। और ये क्वेश्चन आप कहोगे मैडम जी ये हमें PDF में नहीं मिले हिंदी में, तो ये देखो भैया मैंने खुद टाइप किए हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, आप देखेंगे कि कहीं पर इंग्लिश में है, कहीं पर हिंदी में ही है। तो ये इंग्लिश प्लस हिंदी, आप लोग बहुत बोलते थे कि नहीं नहीं इंग्लिश में, केवल इंग्लिश में पढ़ाओ, तो कोई बोलता था नहीं हम हिंदी मीडियम से हैं तो हमें हिंदी में पढ़ाओ। तो मैंने सोचा मर्ज करते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों स्ट्रेंथ्स को मर्ज करते हैं और दोनों लैंग्वेज में हम आपको ये क्वेश्चंस करवा रहे हैं। और आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और ऐसे ही क्लासेस, ऐसे ही क्वेश्चन इसी तरीके से हम आगे भी अपनी क्लासेस करेंगे। तो मुझे बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि चैनल से जुड़े रहना, ठीक है, चैनल से जुड़ जाइएगा। अभी तो शुरुआत है, क्लास सेकेंड है ये, अभी तो हमें और भी क्लासेस करनी है। ऐसा आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप लोग देखो डीमोटिवेट हो जाते हो, मोटिवेशन आपके पास रहता नहीं है, डीमोटिवेट हो जाते हो तुरंत, एक दो क्लासेस देखोगे बस हो गया मेरा काम, इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मैडम से पढ़ने की क्या ज़रूरत है या फिर किसी से भी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप कहोगे कि अरे भैया ये क्या हुआ एग्ज़ाम में, ये क्या हुआ, राइट? तो पढ़िए, आपको आधे घंटे की क्लास होगी, ज़्यादा नहीं, तो आधे घंटे का अपनी पढ़ाई के लिए तो टाइम निकाल सकते हो, राइट? ठीक है, चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, जो बात नहीं थी ये आपके लिए काम की चीज़ थी, ठीक है, जो आपके लिए जानना ज़रूरी था। नेक्स्ट, द वे वी मैनेज और सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड।
जिस प्रकार से हम समस्या का समाधान या प्रबंधन करते हैं उसे कहते हैं। मतलब जैसे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम में हम किस तरीके से निपटते हैं, उस प्रॉब्लम से हम किस तरीके से निपटते हैं, हमें किस तरीके का रवैया दिखाना चाहिए कि जो भी समस्या है उसे हम सॉल्व कर सकें, उसे हम मैनेज कर सकें। ऑप्शन पढ़िए, पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, नेगेटिव एटीट्यूड या फिर पैशन। क्या होगा, उसे क्या कहेंगे जब हम किसी समस्या या जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, उसका समाधान निकालते हैं, तो उसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, संघर्ष समाधान कौशल, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल। यहाँ पर स्किल भी होगा, राइट, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रेहाना फेस्ड अ प्रॉब्लम विद हर प्रोजेक्ट, सी इज डीलिंग विद अ प्रॉब्लम विद द राइट एटीट्यूड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रेहाना को अपने प्रोजेक्ट में एक समस्या का सामना करना पड़ा, वह सही रवैये के साथ किसी समस्या से निपट रही है, यह इसका उदाहरण है। बताइए जरा, क्वेश्चन देखिए, देखने में बड़ा लग सकता है लेकिन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन सिंपल है, आंसर दीजिए। रेहाना को अपने प्रोजेक्ट में एक समस्या आ रही है, आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया है उसमें आपको समस्या आ रही है, लेकिन उस समस्या को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से निपटा दिया है, तो ये किस चीज़ का उदाहरण है, ये आप में क्या दर्शाता है, ये आप में दर्शाता है पॉजिटिव एटीट्यूड। कोई समस्या आई, आपने सकारात्मक सोच रखी और उस समस्या को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया, तो ये आपके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से हो पाया है। राइट आंसर क्या होगा, सकारात्मक रवैया। नेक्स्ट है, अल्पन डज योगा इन द मॉर्निंग, ही फॉलोज यूट्यूब क्लासेस टू मोटिवेट हिमसेल्फ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अल्पन सुबह योगा करती है, वह खुद को प्रेरित करने के लिए यूट्यूब, अगर अल्पन लड़की है तो यहाँ पर सी होगा, वह खुद को प्रेरित करने के लिए यूट्यूब क्लासेस फॉलो करती है, यह डैश का एक उदाहरण है। बता सकते हैं कोई, जैसे मैंने अभी कहा आप डीमोटिवेट हो जाते हो, डीमोटिवेट क्यों हो जाती, क्योंकि आप फिर क्लासेस छोड़ देते हो, लेकिन अल्पन ने ऐसा नहीं किया, अल्पन रोज योगा करती है और योगा करने के लिए यूट्यूब क्लासेस का सहारा लेती है, जिससे उसको मोटिवेशन मिलता है, रोज क्लासेस वो लेगी योगा की तो उसको रोज मोटिवेशन मिलेगा और रोज योगा करेगी, उससे उसको फायदा होगा, तो ये किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये है सेल्फ मोटिवेशन का, स्वयं प्रेरणा, ठीक है, वह खुद से अपने आप को मोटिवेट कर रही कि मुझे योगा करना है, जैसे आप बोलोगे कि मुझे पढ़ना है तो ये आपका सेल्फ मोटिवेशन हुआ, ठीक है, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है, ये सेल्फ मोटिवेशन है कि आप खुद पढ़ना चाहते हो, खुद अच्छे नंबर लाना चाहते हो, ये आप में है, राइट, क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, डेथ इज अ वे ऑफ थिंकिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, डेथ किसी समस्या को हल करने के लिए सोचने का एक तरीका है। ऑप्शन है महत्वपूर्ण सोच, खुद पर भरोसा, नकारात्मक रवैया या फिर समय का प्रबंधन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, किसी समस्या को हल करने के लिए सोचने का एक तरीका क्या है, बता सकते हैं, किसी समस्या को हल करने के लिए सोचने का एक महत्वपूर्ण तरीका क्या है, तो वो है क्रिटिकल थिंकिंग, महत्वपूर्ण सोच। नेक्स्ट, चूजिंग बिटवीन टू और मोर ऑप्शन इज नोन एज डैश प्रोसेस, दो या दो से अधिक विकल्पों के बीच चयन करना डैश प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, दो या दो से अधिक विकल्पों के बीच चयन करना डैश प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। अब हम जैसे हम किसी कपड़े की दुकान पर गए तो हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखे लेकिन दो हमें पसंद आए, लेकिन मम्मी ने बोला है कि नहीं एक ही लेना है, दो नहीं लेंगे तुमको, तो भैया फिर क्या करोगे, कहोगे हमको तो दोनों पसंद है हमें एक क्यों ले, मम्मी ने बोला है कि नहीं बजट नहीं है दो में से एक ही लेना है, इन दोनों में से एक पसंद करो, तो उस टाइम देखिए आपको क्या करना होता है, उस टाइम आपको लेना होता है डिसीजन, राइट, डिसीजन लेना होता है कि मम्मी ने तो बोला है कि एक ही लेना है लेकिन हमारे हमको लगे हैं दो अच्छे, एक लेना है, तो उस टाइम आपको लेना होता है डिसीजन, और डिसीजन जब आप ले लेते हो, एक चूज कर लेते हो, आंसर तो देखिए ये हो गया हमारा। अब मैं थोड़ा हटके बताती हूँ, आपने दो चीज़ों में से एक ले लिया, दोनों आपको अच्छी लगी, राइट, मम्मी ने बोला एक लेना है, आपने ठीक है बोला ठीक है ये ले लेते हैं, घर आए पहन के देखा, अरे यार वो अच्छी थी ये ले ली,
होता है सर, होता है, बिल्कुल होता है, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है। तो उस टाइम मुझे लेना होता है डिसीज़न और फिर पछताना होता है कि भैया ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो हमें ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में दोनों ही अच्छे थे, राइट। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, आंसर हमें पता चल गया, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना होता है। ये तो मैंने ऐसे आपको एक एग्जाम्पल दिया है जिससे आप समझ सकें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है, नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, जनरेट ऑप्शन, इम्प्लीमेंट डिसीजन, परफॉर्मेंस, समस्या की पहचान करें, विकल्प उत्पन्न करें, निर्णय लागू करें या फिर प्रदर्शन। क्या होगा इसका आंसर, परफॉर्मेंस। ये निर्णय लेने का हिस्सा परफॉर्मेंस नहीं है, प्रदर्शन। नेक्स्ट है, मनु थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम वेल बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मनु कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी समस्या के बारे में अच्छी तरह सोचते हैं, यह इसका उदाहरण है। मतलब आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो किसी समस्या के बारे में अच्छी तरीके से सोच लेते हो कि भैया ये मैं ऐसा डिसीजन ले रहा हूँ, आगे प्रॉब्लम आएगी तो उससे कैसे निपटना है, कैसे सोचना है, तो ये काम करते हैं मनु। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है, तो ये सोच है क्रिटिकल थिंक, महत्वपूर्ण सोच। नेक्स्ट है, रेवती गॉट अ जॉब ऑफर आउट ऑफ हर टाउन, सी डिसाइडेड टू रिफ्यूज द ऑफर आफ्टर लिसनिंग द प्रोस एंड कॉन्स, सी फॉलोड दिस प्रोसेस। हिंदी में पढ़ते हैं, आई थिंक आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आया होगा। हिंदी में पढ़ते हैं, रेवती को अपने शहर में बाहर नौकरी का प्रस्ताव मिला, लड़की है उसको अपने शहर से बाहर नौकरी मिली है, लेकिन उसने फायदे और नुकसान गिनाने के बाद प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, उसने डैश प्रक्रिया का पालन किया। देखिए रेवती है, बाहर नौकरी मिली है, लेकिन बाहर नौकरी करने के कुछ फायदे भी हो जाएंगे, कुछ नुकसान भी हो जाएंगे, तो ये सब करके उसने प्रस्ताव को कर दिया रिजेक्ट। तो उसने किस प्रक्रिया का पालन किया, तो उसने देखो डिसीजन लिया है, डिसीजन मेकिंग का उसने पालन किया है, डिसीजन लिया है बढ़िया सा कि देखो हमें बाहर रहेंगे तो मुझे फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, तो मैं इस चीज़ को अस्वीकार करती हूँ। क्या होगा आंसर, डिसीजन लिया है उसने, तो डिसीजन मेकिंग हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन के क्या फ़ायदे हैं। अगर आप अपना जो स्टडी टाइम है उसको बढ़िया से मैनेज किए हो कि कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं ये हम आपको बताते हैं। कार्यों को समय पर पूरा करें, मतलब जो भी आप समय प्रबंधन के तरीके से अगर आप काम करोगे, कोई भी काम है, आपकी नौकरी का काम है, आपके घर का काम है, आपकी पढ़ाई का काम है, कोई भी काम है, तो समय प्रबंधन के साथ आपका जो भी काम है वो समय पर पूरा होगा, और रोज के जो गोल्स हैं, रोज के जो लक्ष्य हैं वो आप प्राप्त करेंगे। आपने कहा है कि नहीं आज तो वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े धुलने हैं, जो भी हमारे घर में पर्दे लगे हैं, बेडशीट लगी हैं, सारे कपड़े धुलने हैं, तो वो हमारा रोज के रोज जो गोल्स है वो पूरा हो जाएगा, राइट। सारी चीज़ें इकट्ठी रह जाएंगी तो फिर काम बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा अचीव डेली गोल्स। नेक्स्ट है रिड्यूस स्ट्रेस, अगर आप रोज के रोज काम करोगे, अपने रोज का रोज सिलेबस कंप्लीट करोगे या फिर रोज के रोज अपना काम करोगे, रोज के डेली गोल्स अपने पूरे करोगे, तो आपको तनाव कम होगा। तो अब बचा हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी, समझ गए। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है गुड टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग डैश एट वर्क, अच्छा समय प्रबंधन कार्यस्थल पर डैश को बेहतर बनाने में मदद करता है। अच्छा समय प्रबंधन कार्यस्थल पर, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट है, आपने अपने टाइम को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करके रखा है, याद करके रखा है कि कब क्या कैसे करना है, तो यह आपको बेहतर बनाने में मदद करेगा। किस चीज़ को बेहतर बनाने में मदद करेगा, आपकी परफॉर्मेंस को। यहाँ पर कार्यस्थल की बात हो रही है, अब कार्यस्थल पर आप अच्छे से काम करोगे, राइट, तो मैनेजर आपका देखेगा कि भैया ये अच्छा तो काम कर रहा है, इसकी परफॉर्मेंस में थोड़ी बढ़ोतरी होनी चाहिए, राइट। तो क्या है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है द ब्लॉक ऑफ वर्क टाइम इज कॉल्ड अ डैश टेक्निक, कार समय के ब्लॉक को डैश तकनीक कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, कार समय के ब्लॉक को डैश तकनीक कहा जाता है। आप ऑप्शन पढ़ोगे कहोगे ये क्वेश्चन तो मतलब क्या है,
ये तो समझ से परे है, समझ ही नहीं आ रहा ये है क्या। डोरो पोमो, पोमो डोरो डोमो। तो ये देखो, एक मैं आपको बताती हूँ पोमोडोरो के बारे में। इसका आंसर तो देखिए पोमोडोरो होगा। अब पोमोडोरो कैसे होगा ये मैं आपको बता देती हूँ। पोमोडोरो आखिर है क्या? तो पोमोडोरो एक समय प्रबंधन पद्धति है जो 5 मिनट के ब्रेक के बाद 25 मिनट के केंद्रित कार्य पर आधारित है। देखो कैसे, समझ में नहीं आया? हाँ पता है, नहीं आया समझ में। जैसे कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम अपना 2 घंटे का काम कर रहे हैं, राइट। अब 2 घंटे के काम में हम लगातार तो 2 घंटे काम करेंगे नहीं, राइट। उसके लिए एक पोमोडोरो टेक्निक है जिसमें क्या होता है कि हम 25 मिनट काम करेंगे स्टार्टिंग के, बहुत ही अच्छी तरीके से 25 मिनट, 25 मिनट काम करेंगे, उसके बाद हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। अब 5 मिनट के ब्रेक में हम अपने जो भी काम आगे करेंगे उसको रिवाइज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि आगे कौन सा काम करना है, या फिर अभी मैंने कौन सा काम किया, किस तरीके से करना है। तो 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर 25 मिनट काम करेंगे, राइट। उसके बाद फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, इस तरीके से 5-5 मिनट का ब्रेक लेते जाएंगे और उस चीज को हम लोग रिवाइज करते जाएंगे कि मैंने क्या किया है, कैसे करना है आगे। ये टेक्निक कहलाती है पोमोडोरो टेक्निक, राइट। पोमोडोरो क्या है? एक समय प्रबंधन पद्धति है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, यही 5-25 मिनट का ऐसा ब्रेक चलता है, 25 मिनट काम करो, 5 मिनट का ब्रेक लो। तो ये होती है पोमोडोरो टेक्निक। आप कहोगे ये कैसा शब्द है, तो ये एक इटालियन वर्ड है और इसका मतलब आपको पता है, टमाटर, राइट। टमाटर इसका मतलब होता है, इटालियन वर्ड है और इसका अर्थ होता है टमाटर। नेक्स्ट है, रहीम लर्न्स एमएस ऑफिस ड्यूरिंग हिज लंच ब्रेक। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रहीम अपने लंच ब्रेक के दौरान एमएस ऑफिस सीखते हैं, यह इसका एक उदाहरण है। अपने लंच ब्रेक के दौरान देखो, आधा घंटे का लंच होता है और खाना हम लोग ख़त्म कर लेते हैं जल्दी जल्दी, 15 से 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में हम लोग खाना ख़त्म कर लेते हैं। हमारे पास बचता है 15-20 मिनट का टाइम, तो अब उसमें क्या करेंगे? अब रहीम तो भैया अच्छा आदमी है, वो कहेगा हम तो एमएस ऑफिस सीखेंगे, हम चुगलीबाजी नहीं करेंगे। घेरा लगा लिया, बैठ के सब लोग चुगली कर रहे हैं, अरे वो ऐसे काम कर रहा है, वो ऐसे काम कर रहा है, या फिर इसके यहाँ ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ। चुगली नहीं करनी है हमें, अब सीखना है एमएस ऑफिस। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये है देखिए टाइम मैनेजमेंट का। हमें 30 मिनट का, मैंने पहले बोला हमें 30 मिनट का, फॉर एग्जाम्पल हमें 30 मिनट का लंच ब्रेक मिला, तो 30 मिनट में हमने 10 मिनट में खाना खा लिया। 10 मिनट में खाना खाया जा सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से, राइट। अब बचे हैं कितने, 15 से 20 मिनट, राइट, 20 मिनट। अब 20 मिनट में अगर आप ऑनलाइन एक भी क्लास ले लोगे 20 मिनट की, तो आप रोज एक एक क्लास लोगे 20-20 मिनट की, तो काफ़ी सीख जाओगे, राइट। तो रहीम ने एक तरीके से अपने आप को मैनेज कर रखा है, अपने टाइम को मैनेज करके रखा है, जिससे वो एमएस ऑफिस सीख सके और जहाँ पर भी वो काम कर रहा है वहाँ से वो हटके थोड़ा सा अपने कंप्यूटर की दुनिया में जा सके, वहाँ पर अच्छे से काम कर सके एज अ ऑफिस वर्क, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे। भानु क्रिएट 25 मिनट टास्क प्लानर एंड नेवर गेट डिस्ट्रैक्ट इन द ब्लॉक टाइम, विच मैथड डज सी फॉलो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भानु लड़का है कि लड़की है, कहीं पर सी लिख देते हैं, कहीं पर ही लिख देते हैं। चलिए, भानु 25 मिनट का टास्क प्लानर बनाते हैं और अवरुद्ध समय में कभी भी विचलित नहीं होते, वे कौन सा तरीका अपनाती हैं? बताइए, मैंने अभी बताया था 5 मिनट 25 मिनट, मतलब 5 मिनट ब्रेक ले लेंगे और 25 मिनट ऐसे काम करेंगे बिल्कुल लगन के साथ, बिल्कुल केंद्रित होके, राइट। तो ये मैंने टेक्निक आपको बताई थी, बिल्कुल सही है पोमोडोरो। अभी मैंने बताई थी कि 5 मिनट का ब्रेक लो और 25 मिनट फिर बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके जो भी आप काम कर रहे हो वो काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो, इधर उधर देख लो, थोड़ा सोच लो, फिर 25 मिनट बिल्कुल केंद्रित होकर काम करो। तो ये टेक्निक कहलाती है पोमोडोरो। इसका आंसर क्या हो गया? पोमोडोरो, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड का सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज नोन एज डैश स्किल। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना डैश कौशल कहलाता है। बता सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना डैश कौशल कहलाता है। ओवरथिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, या फिर
प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी समस्या का समाधान, या फिर समस्या के समाधान की बात हो रही है तो आंसर होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान का एक कदम नहीं है? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, डिवाइड प्रॉब्लम इन टू पार्ट्स, सेट टाइमर, या फिर फाइंड सॉल्यूशन। क्या होगा आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान का एक कदम नहीं है, या फिर एक उदाहरण नहीं है, समस्या समाधान का एक उदाहरण नहीं है? तो देखो भैया, क्या है? टाइमर। भाई समस्या में क्या टाइमर लगाएंगे कि 5 मिनट का टाइमर लगा दो, सोच लेते हैं कैसे क्या सॉल्व करनी है, फिर 10 मिनट दूसरा काम करेंगे, फिर 5 मिनट का टाइमर लगा दो, फिर सोचेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, सेट टाइमर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक उदाहरण नहीं है, या फिर एक कदम नहीं है। इफ वन इज कैपेबल ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, वन विल गेट बेटर एट। ये देखिए आवाज यहाँ से निकलती है हमारे यहाँ गाड़ियाँ, वो भी ऐसे नहीं बिल्कुल हॉर्न बजा के कि हाँ हम निकल रहे हैं। यदि कोई समस्या का समाधान खोजने में सक्षम है, समस्या का समाधान खोजने में सक्षम है तो वह डैश में बेहतर हो जाएगा। अगर वह समस्या के समाधान खोज लेगा, अगर कोई भी इंसान समस्या का समाधान पॉजिटिवली सोच के उसको सॉल्व कर देगा तो वह बेहतर हो जाएगा। किस में बता सकते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग में, राइट? अगर देखो, अगर किसी की ज़िंदगी में समस्याएं आती जा रही हैं तो उसे आदत पड़ जाएगी कि आ जाओ, वो समस्या से खुद कहेगा आओ तो मुझे सॉल्व करना आता है, तो वो समस्या को सुलझाने में बेहतर बनता जा रहा है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसके अंदर है। क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सोनी इज ट्राइंग टू फिक्स द डाउनलोड प्रॉब्लम ऑन द लैपटॉप, सी डिड नॉट सक्सीड ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट, व्हाट शुड वी डू? सोनी लैपटॉप पर डाउनलोड की समस्या को ठीक करने का प्रयास कर रही है, वह पहले प्रयास में सफल नहीं हुई, वह क्या करे? ऑप्शन पढ़ना है, ट्राई अनोदर वे, क्विट द टास्क, नेवर सॉल्व द प्रॉब्लम, या फिर क्विट द जॉब। कुछ जो ऑप्शन है उनके हिसाब से देखा जाए तो सोनी जो है वो एक किसी कंपनी में काम करती है, या फिर कहीं पर भी काम करती है, और वहां पर काम करती है एक कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर, और लैपटॉप पर उसकी एक समस्या है कि वो डाउनलोड नहीं कर पा रही है, डाउनलोड करने में समस्या आ रही है, तो वह पहले प्रयास में सफल नहीं हुई। यहाँ पर देखिए, पहला ही प्रयास है, ऐसा नहीं बोला कि उसने बार बार प्रयास किया और वह सफल नहीं हुई, बार बार नहीं लिखा है इसमें, पहला प्रयास लिखा है। अगर पहला प्रयास लिखा है तो दूसरा तरीका ढूंढो, दूसरे तरीके से प्रयास करो डाउनलोड करने का। आंसर क्या होगा? ट्राई अनोदर वे, पहले यहाँ पे पहला लिखा है। अगर होता कि बार बार वो असफल हो रही है तो कोई दूसरा ऑप्शन हम चूज कर सकते थे। ऑप्शन देखो, कार छोड़ने की तो होएगा ही नहीं, निगेटिवली जा रहा है। नेवर सॉल्व द प्रॉब्लम, ये भी निगेटिवली जा रहा है। क्विट द जॉब, जॉब ही छोड़ दो भैया, पैसा कहाँ से आएगा जॉब छोड़ देंगे तो, तुम तो कह रहे हो जॉब छोड़ दो, ठीक है, तो ट्राई अनोदर वे। नेक्स्ट, स्टीव्स मदर टोल्ड हिम दैट द मिक्सर ग्राइंडर इज नॉट वर्किंग, व्हाट शुड बी हिज फर्स्ट स्टेप इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। स्टीव की मदर क्यों, हमारी मम्मी ने हमें बताया कि मिक्सर ग्राइंडर का काम नहीं कर रहा है, मतलब जो मिक्सर ग्राइंडर है वो काम नहीं कर रहा है, तो समस्या को हल करने के लिए उसका पहला कदम क्या होगा? हमारे घर में जो हमारा मिक्सर ग्राइंडर है, मम्मी ने बोला है कि ये काम नहीं कर रहा है, इसको कुछ सॉल्व करो, हम लोगों को बताया, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? ऑप्शन पढ़ो, देखो बड़े फनी ऑप्शंस दिए हैं। कंप्लेन, शिकायत कर दो, शिकायत ही कर दो सीधा कंपनी, जिसकी कंपनी से आपने लिया उससे शिकायत कर दो कि कैसा दिया है, चल ही नहीं रहा है, या फिर समस्या को पहचानो कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, मेन दिक्कत क्या है, राइट? या फिर मिक्सर ही बेच डालो कबाड़े में, या फिर फेंक दो। क्या होगा आंसर? समस्या को तो पहचानो पहले कि आखिर दिक्कत क्या है। भाई सबसे पहले दिक्कत तो यही होगी कि मम्मी ने बटन नहीं दबाया होगा जहाँ पे प्लग लगाई है, जहाँ पर मिक्सर का प्लग लगा है उसका बटन तो देख लो मम्मी, राइट? तो सबसे पहले समस्या को पहचानो, आखिर समस्या क्या है, राइट? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हमारी क्लास हो चुकी है, क्लास सेकेंड ख़त्म, हमारे जो क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए है कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वो होगी क्लास नंबर 3, टॉपिक होगा हमारा कम्युनिकेशन स्किल,
जैसा कि आप लोग पता है हम लोग कर रहे हैं बहुत ही अच्छे इस क्लासेस। अब सबसे पहले मुझे ये बता दो इस क्लास में कितने कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने गलत किए। सही आपने बहुत सारे किए होंगे। अच्छा ये बता दो क्लासेस आपको कैसी लगी है, तो उसको लाइक कर दीजिएगा जैसी भी लगी हो। पसंद नहीं आई तो डिसलाइक का भी बटन है। देखिए यूट्यूब पर आपके बहुत सारे फीचर हैं। आप मेरी वीडियो को फुल स्क्रीन पर किए हो तो थोड़ा हाफ स्क्रीन पर कर लो। फिर नीचे देखो सब्सक्राइब का बटन है, बेल आइकन का बटन है, लाइक का बटन है, डिसलाइक का बटन है। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, डिसलाइक मतलब पसंद नहीं आई है, मज़ा नहीं आया, मतलब समझ नहीं आया तो उसको डिसलाइक कर दीजिए, राइट। और अगर ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निमी बेस्ड क्वेश्चन और भी क्लासेस आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन है, और जो घंटी सी दिख रही है वो भी दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए उसको, ठीक है। घर की घंटियाँ तो आपने बहुत बजाई होंगी छुप छुप कर, अब आपको YouTube ने भी ये मौका दिया है कि अब आप इसकी घंटी को प्रेस करें तो आप जब भी मैं देखो क्लास डालूंगी या फिर कोई भी जानकारी दूंगी अपने चैनल पर तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, राइट, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो इस तरीके से जो भी यहाँ पर टूल्स या जो भी फैसिलिटीज़ दी गई हैं यूट्यूब का उसका यूज़ करें। पसंद है तो लाइक करें, नहीं पसंद है तो डिसलाइक करें, हर चीज़ का यूज़ करें आप, राइट, ठीक है। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास, क्लास नंबर 3, टॉपिक वाइज होगी हमारी कम्युनिकेशन स्किल।